किसान भाई आलू के फसल में हानिकारक कीट और रोग का भी प्रकोप देखा गया है, जिसके वजह से आलू की उत्पादकता में कमी आती है। आलू में लगने वाले प्रमुख रोग हैं अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। इससे बचने के लिए इंडोफिल M45 या रिडोमिल का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इस रोग से बचने के लिए प्रत्येक 15 दिन पर इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। अगर कीट की बात करें तो आलू की फसल में मुख्य रूप से लाही कीट का प्रकोप देखा गया है। इससे बचाव के लिए इमिडा क्लोरोपीड का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। किसान भाई, इन सभी तकनीकी पहलुओं को जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि आलू की खुदाई किस प्रकार और कब करनी चाहिए। दरअसल आलू की खुदाई से लगभग 7 से 10 दिनों पहले लत्तर को काटकर हटा देना चाहिए। ऐसा करने से आलू का छिलका सख्त और मोटा हो जाता है। लत्तर कटने के 10 दिन बाद और बुआई के लगभग 70 दिनों के बाद आलू की खुदाई की जा सकती है। खुदाई के बाद आलू को 3-4 दिन के लिए किसी छायेदार जगह पर रखें, ताकि छिलके मजबूत हो जाएं और कंदों में लगी मिट्टी भी साफ हो जाए। अगर आप आलू को 3-4 महीनों के लिए भंडारित करना चाहते हैं, कच्चे फर्श के ऊपर आलू की पतली सतह बिछा कर रखें। इस प्रकार आप आलू की वैज्ञानिक खेती कर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।